أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. بني اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کی لگاتار خودگردیوں کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بنا پر کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود کی بستیاں تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزاج سے واقف کرنا ضروری تھا کہ آپ کا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. اس لیے گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ اس قوم کی بے وفائی، بدعہدی اور ہٹ دھرمی کو الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ دعویوں سے بیان کیا ہے. اس سے پہلے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ان کو من اور سلوا یعنی میٹھا اور کھارا دونوں قسم کے کھانے مل رہے تھے جو ان کو راس نہیں آئے، اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم تو سبزیاں، گیہوں، دالیں، مسور، یہ تمام چیزوں کے خانہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ادھر سے اجازت ملی کہ شہروں میں یہ چیزیں دستیاب ہیں. آتی دیہات سے ہیں لیکن بکتی شہروں میں ہیں. آپ نے نہیں دیکھا یہاں کا کھیتی باڑی، اتپن بازار، اس میں کیا ہوتا ہے؟
उसमें रात भर जो है सब्जियां उतरती है और दिन को शहर वाले ले जाकर उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो एक तकाजा तो ये था। दूसरा तकाजा जिसका यहां जिक्र किया है वो ये है कि ये मैदान है और मैदान में पानी की कमी है, पानी है ही नहीं सिरे से। तो एक चटियल मैदान था, कोई रिहाइश की जगह तो थी नहीं, लेकिन गुलामी की जिंदगी इतनी खतरनाक है कि वो शहरों में रहना गुलामी के साथ, उससे जंगल में आजादी के साथ रहना अच्छा है। तो यजीद जो है उसको 5 स्टार किस्म की जो है सहूलतें दी जाए, ये उसके लिए इस बात के बराबर नहीं है कि उसको आजादी की फिजा में दाल चावल दिए जाए। वो कहेगा सूखी रोटी हो लेकिन आजादी के साथ हो, ये कैद खाने की रोटी जो है और कैद खाने का शानदार सालन जो है वो मजे की चीज नहीं है। वो आदमी के दिल पर एक और दिमाग पर एक बात मुसल्लत होती है कि मैं गुलाम हूं, मैं कैद हूं, मैं मस्जून हूं। ये चीज उसके दिमाग को खाती रहती है, परेशान करती। तो फरमाते हैं कि इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में ये दरख्वास्त ला कर रखी और यूं कहा कि ऐ नबी मूसा, आप ऐसा कीजिए कि पानी की हर वक्त जरूरत है और इतने 6.5 लाख लोग हैं तो कितना पानी चाहिए। तो आप अपने परवरदिगार से इस्तिदआ कीजिए कि हमारे लिए पानी का इंतजाम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में रुजू किया। अक्सर वाकयात के बयान में ये होता है कि उन्होंने अल्लाह वालों से कहा, अल्लाह वालों ने इशारा किया तो हो गया, अल्लाह वालों ने कर दिया, ये बात नहीं होती। लोगों ने कहा नबी से और नबी ने कहा अल्लाह से, बीच में अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह चाहे तो होता है, नबी को भी ये ताकत नहीं मिली है कि वो जो चाहे कर ले जब तक अल्लाह न चाहे। और नबी जो करके दिखाते हैं वो अल्लाह की इजाजत और मशीयत पर मौकूफ होता है, उसका अपना मंजिला नहीं होता है। यहां तक फरमाते हैं कि मेरे साथ क्या किया जाएगा मुझे इल्म नहीं है, और कयामत के दिन फरमाया हर एक को अपना अमल जो है वो कारगर होगा, मुफीद होगा। किसी के पास ईमान ना हो, अमल ना हो तो मेरी सिफारिश उसके लिए मुफीद नहीं है, बावजूद इसके कि उसके पास अमल है लेकिन ईमान नहीं है। तो मैं अपनी नबूवत के जोर से उसकी बख्शिश नहीं करवा सकता, करवाता तो अबू तालिब की कर लेता लेकिन नहीं करा सकता। ये असल में नबियों की तालीम का फर्क होता है और अल्लाह वालों की तालीम का फर्क होता है। कोई आके यूं कहे कि बाबा ये काम कर दीजिए तो वो ये कहेंगे कि बाबा के हाथ में कुछ नहीं, सब अल्लाह के हाथ में, सच्चा बाबा होगा तो ये कहे मेरे हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह के हाथ में। तो बाबा आप क्या करेंगे, तो बाबा कुछ नहीं करेंगे, बाबा दुआ करें, मेरा काम है दुआ करना, अल्लाह वालों का काम है दुआ करना। ये बात अलग है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं में अवसर रखा होगा, उनकी इबादत, उनके तक्वा, उनके ज़ुहद, उनकी बारगाह इलाही में मकबूलियत होती है तो वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह कबूल फरमाते हैं। कौम वाले भी चूंके हैं नबी के पर तरबियत याफ्ता, परवरिश याफ्ता, इस बिना पर नबियों को जाकर यूं नहीं कहा कि हमको ये चाहिए ला के दीजिए, यूं कहा अपने परवरदिगार के हुजूर में दुआ कीजिए।
कितना समझते हैं इस बात को, ये नबी दुआ करेंगे तो काम बनेगा, अल्लाह से मांगेंगे तो काम अल्लाह बनाएंगे। लेकिन मांगना अल्लाह से, लेना अल्लाह से, देने वाली जात अल्लाह की। कुरान करीम की तालीमात में ये तालीम पड़ी है कि बंदों को अल्लाह से कनेक्ट करना। नबी का सबसे बड़ा काम क्या है? नबी का सबसे बड़ा काम यह है कि बंदे जो अल्लाह से बिछड़कर असबाब में खो गए हैं उनको असबाब की हकीकत समझाना और मुसब्बिबुल असबाब से जोड़ना। समझाते हैं कि असबाब की हकीकत इतनी है और मुसब्बिबुल असबाब जो है उसकी ताकत कितनी है, यह समझाते हैं, ये फर्क बताते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, दुआएं बड़ी मुजर्रब और कीमती नेमत है, दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आया। हुक्म ये आया कि जो लाठी है वो पत्थर पर मार दो। कौन सा पत्थर था? इस पर बाहर से ख्याल ये है कि जिस पत्थर पर बैठते थे वो पत्थर है, दूसरा ख्याल ये है कि ये वो पत्थर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेके चला गया था, ये वो पत्थर है। बहरहाल ये चौकोर छोटा सा पत्थर था, उस पर लाठी मारने को कहा। अब मौजूदा दौर का जो समझदार और अक्ल का मारा हुआ है उसको बात नहीं पल्ले पड़, वो नहीं समझता है, वो लकड़ी नहीं मारेगा, वो आर्ग्यूमेंट करेगा। तो मौलाना मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई लकड़ी मारे पत्थर के ऊपर और पत्थर से पानी निकले। ये तो हमने देखा है कि सर पे पत्थर मारे तो उसमें से खून निकले, लेकिन ये तो हमने कभी भी नहीं देखा है कि लकड़ी मारे पत्थर पर और पत्थर से निकले पानी, हमारी समझ में नहीं आता। असल में आदमी को अल्लाह के फरामीद के ताबे हो जाना सबसे आसान तरीका है। कामयाबी का ये बेहतर तरीका है कि आदमी अल्लाह की मानने वाला बन जाए। और नबियों से ज्यादा मानने वाला कौन है? नबी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, नबी से जो कहा जाता है वो करते हैं। आम लोगों का मामला ये है कि आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये बात नहीं है कि भाई हम आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है। कुरान के पास, हदीस के पास आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है, है जवाब, लेकिन हर वक्त जवाब दे देने से आदमी को तसल्ली नहीं होती, अमली जवाब चाहिए। तो आदमी जब अमल करेगा तो उसको जवाब मिल जाएगा। जैसे हदीस शरीफ में फरमाया कि भाई आप सफों को जितना हो सके दुरुस्त कीजिए तो दिल दुरुस्त हो जाएंगे। तो लोग सवाल करते हैं, तो वहां एक आदमी सब में टेढ़ा खड़ा रहा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कोई के? ये है कि नमाज नहीं पढ़ेगा वो तो हमको क्या फर्क पड़ता है, नहीं आएगा मस्जिद में तो क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद को क्या फर्क पड़ता है, इमाम को क्या फर्क पड़ता है, जो नहीं पड़ेगा उसको फर्क पड़ता है। तो हम लोग पूछते हैं कि ये नमाज में और हार्ट के अंदर क्या ताल्लुक है? सफे टेढ़ी होगी तो दिल टेढ़े हो जाएंगे, इसमें क्या क्या है? तो मैंने कहा इसका जवाब ये, अगर टेढ़ा होके देख ले तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या है। जब दिन टेढ़ा होगा तुझे पता चल जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो हदीस जो होती है, जो अल्लाह के अहकाम होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। सहाबाए किराम पूछते थे जरूर, सवाल जरूर करते थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए सवाल नहीं करते थे। एक मसला खटक रहा है तो उसको पूछते थे कि सरकार इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब, ताकि दिल को तशक्ति हो जाए, तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए। एक है ईमान, एक है इत्मीनान। कुरान करीम में है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त दी,
وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ اے اللہ احیائے موتا کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گے یہ عقیدہ ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مرا ہوا آدمی زندہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سوال کیا قال اولم تؤمن کیا ابراہیم اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اتنی طاقت ہے مجھ میں اس پر ایمان نہیں ہے تمہارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا کیوں نہیں بالکل ایمان پھر سوال کیوں کرتے ہیں ولکن لیطمئن قلبی سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ قلب کو اطمینان ہو جائے سکون ہو جائے تو یہاں جو ہے دعا کے لیے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے یہ مسئلے کا حل بتایا لکڑی مارو پتھر پر ہم بولے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نل کھولو تو پانی آتا ہے بورنگ کرو تو پانی آتا ہے پائپ اندر ڈالو تو پانی آتا ہے لیکن لکڑیاں ٹوٹ جائے گی پانی نہیں آئے نہیں آتا ہے سر فرمایا وہ تمہارا تجربہ ہے ادھر ایمان ہے ادھر تجربہ ہے تجربے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں ایمان اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا نام ہے جس میں سوال کی چھو اور چھیڑا نہ ہو اس کو کہتے ہیں اس بنا پر فوری طور پر لاٹھی اٹھا لی پتھر اور اندر سے پانی نکلنے لگا کیوں پہاڑوں کے اوپر جو پتھر ہوتے ہیں اس میں سے آبشار نکلتے ہیں کہ نہیں پانی نکلتا ہے کہ نہیں وہ پانی کہاں سے آتا ہے کسی کو نہیں معلوم برسوں سے خزانے چل رہے پانی کے ختم نہیں ہوتے کہاں سے آتے ہیں یہ خزانے یہ اللہ کے خزانے جو ختم نہیں ہوتے بندوں کے خزانے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں چشمے نکلے بھی پانی کے آبشار پھوٹنا شروع ہو گئے اور پھر اس میں بھی ترتیب آئی اندر دھل نہیں نکل رہا ہے پانی پانی کے اندر سے تقسیم یہ بنی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں تو 12 چشمے نکلے اندر سے 12 چشمے پھوٹے یہ لکڑی کا مارنا تو ایک بہانہ ہے اصل میں خزانے تو اللہ کے پاس لکڑی سے کچھ نہیں ہوتا پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا سب اللہ سے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بھائی یہ لکڑی کے الگ الگ کام لیتے ہیں لکڑی پھینک دی تو انتہا بن گیا لکڑی سمندر پہ مار دی تو سمندر خشک ہوا یہ لکڑی پتھر پہ مار دی تو 12 چشمے اندر سے نکل آئے کیا بتانا چاہتے ہیں سب تاثیر اللہ کے حکم میں ہے اللہ کے حکم کو ماننے پر آ جاؤ جیسا کہنے ایسا کرتے جاؤ ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کامیابی عطا فرماتے چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر مار دی اندر سے 12 چشمے نکل آئے اور یہ 12 چشمے 12 جو خاندان تھے یہودیوں کے اس کے قریب سے بہنے لگے اور ان کی پانی کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کھانا نہیں تھا غیب سے انتظام کیا پانی نہیں تھا غیب سے انتظام کیا میں ایک بات کہنا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں تو کوئی بھی بلڈنگ 6 مہینے کے بعد ایسا لگتی ہے کہ 60 سال پہلے بنی اتنا اس پر غبار اور اتنی گندی ہو جاتی بیرونی ممالک میں جا کر دیکھو تو 60 سال کی بلڈنگ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بنی ہے اب اگر کوئی چاہے کہ
कि शिदर की सब छतें जो गुबार से भरी हुई है, पत्ते दरख्तों के जो गुबार से उठे हुए हैं और छप्पर जो गुबार से भरे हुए हैं, हम कॉरपोरेशन के अंदर जो है कागज दाखिल करें, ऐसा पानी के जरिए से हमारी छतें और मकान धो डालिए। तो कॉरपोरेशन में इतना पानी नहीं है कि वो आपकी छतों को धो डाले, आपके मकान को धो डाले, नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का खजाना कितना बड़ा है, जब बारिश होती है तो एक ही बारिश के अंदर मकान, छतें, दरख्त, रास्ते एक साथ धुलते हैं, चमकदार हो जाते हैं। और फिर निजाम ऐसा कि गरीब का भी धुलता है, मालदार का भी धुलता है, बंगला भी धुल रहा है, झोपड़ा भी धुल रहा है, गरीब की गलियां भी धुल रही है, मालदार के बड़े बड़े रोड भी धुल रहे हैं। तो अल्लाह की रहमत ऐसी आम होती है। दो नेमतें अल्लाह ताला ने बयान करवाई, खाना मांगा घर से खाना दिया, खाने में निकाले कीड़े, पानी दिया, अब सब चीजें मिल गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने नया आम शोशा छोड़ा। इन्होंने ये कहा कि है मूसा, हम लोग ये जो है ना खाना एक ही टाइप का खाते खाते थक गए, तो क्या चाहते हो? कहा कि चाहते ये हैं कि हमको मसूर मिले और तरह तरह की दालें मिले और लहसुन मिले और प्याज जो है वो मिले। अब कहां वो खुशबूदार खाने, कहां ये बदबूदार खाने? लहसुन बदबूदार चीज है, अगर फायदा है उसमें बॉडी वाइज और फिजिकल एतबार से लहसुन का इस्तेमाल जो है वो क्या करता है, आपके खून को बारीक करता है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स को हल करता है, फायदे तो अल्लाह ने हर चीज में रखे। प्याज जो है उसमें भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन लहसुन की दो कली से ज्यादा अगर खाया जाए तो ये आपके गुर्दे को मुतवर्रिम करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम। हर चीज का एक हद होती है। अब हदीस में फरमाया लहसुन प्याज कच्चे खाकर मस्जिद में मत आना, क्योंकि ये बदबूदार चीज है और मस्जिद जो है खुशबू की जगह है। और सरकार के दौर में आने से और भी ज्यादा मना किया कि सरकार के पास हमेशा फरिश्तों पर हुजूम होता है और फरिश्ते बदबू से परहेज करते हैं, इसलिए मस्जिदों को खुशबूदार रखा जाए। बिना जरूरत का बच्चा अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, मस्जिदों को खुशबूदार रखो, इसको ढूंढी दो, इसको आबाद रखो। हाँ, जब लहसुन पक गया और प्याज पक गई, धोया है आपने, पका के आप खाया है और फिर मस्जिद में आए, कोई मसला नहीं। पकाने के बाद उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका ताप तो खत्म हो जाता है। और फिर फरमाया कि ऐसी चीजें जिनमें बदबू होती है उसका सीधा इस्तेमाल करके मस्जिद में मत आओ, जैसे सिगरेट, इसमें तम्बाकू का स्मेल होता है, लिहाजा अगर किसी ने पी लिया है तो उसको चाहिए कि वो पहले कुल्ली करे, मिसवाक करे, मुंह को साफ करे, फिर मस्जिद में आए। और यही हाल अगर कच्ची प्याज वगैरह खा लिए तो मिसवाक करके मुंह को साफ करे, फिर मस्जिद में आए, तो कोई बात। इन्होंने ये सब चीजें मांगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप आवे मैदान के अंदर, आ बड़ी वस्तु तो मड़े नहीं, ये तो मिलना मुश्किल है, ને આજ બધું જે તમે જોઈતું હોય વેજીટેબલ પ્રકારની બધી વસ્તુઓ છે એના માટે તમને ગામડાની અંદર જવું પડે,
शहर में जाओ गामड़ा नी अंदर जाओ त्यां बधी वस्तुओ उपलब्ध छे त्यां मळी शके वहां जाओ भेज दिया है इनको खाने का चर्चा है तो खाने मेरी कितना सब तो फरमाते हैं कि खाना वो अच्छा चाहिए अच्छा डिश चाहिए तो कहा जाओ शहर के अंदर जाओ वहां सब मिलेगा पैनल लगो मन साल दो वहां भी इसकी बदामियों का सिलसिला जो है वो जारी रहा दोरे बता रहे कि मुजिल्लत वल मस्कना और हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह ने फितरी तौर पर इस कौम के अंदर मस्कनत भीख मांगने होना और जिल्लत रख दी है ये कितना भी ऊंचा करेंगे अपने आप को आज दुनिया का जो निजाम है वो सब सब यहूदियों के हाथ में है मीडिया यहूदियों के हाथ में है इकोनॉमी यहूदियों के हाथ में है दुनिया के बड़े बिजनेस यहूदियों के हाथ में है जो कारोबार करते हैं सब यही लोग करते हैं फाइनेंस जो है दुनिया के चंद बड़े यहूदियों के हाथ में है जिस तरह से चाहते हैं दुनिया को खेल लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद फरमाया कि मिजाज में इनके जिल्लत को हमने दाखिल कर दिया इनको इज्जत नहीं मिल सकती इज्जत ईमान वालों को अल्लाह ने अता फरमाई जिल्लत इनकी किस्मत में और इनकी तकदीर में आई वल मस्कना और ये मुट्ठी भर लोग हैं लिखने वाले जर्नलिस्ट ने लिखा था कि अरब वाले खाली पेशाब करें तो पूरा इजराइल बह जाएगा पेशाब के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन अरबों का है लेकिन इतिहाद नहीं है तादाद से कुछ नहीं होता इतिहाद चाहिए आपस में यूनिटी और एकता चाहिए वो एकता की उनमें भरमार है और हमारे अंदर कमी है उस कमी की वजह से हालात हैं उस कमी की वजह से परेशानियां हैं वरना इस कौम को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी है इज्जत किन को दी है अल्लाह ने ईमान वालों को इज्जत दी है कुरान करीम में फरमाया फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन इज्जत अल्लाह के लिए है इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है तो असल इज्जतें अल्लाह ने इनको दी है और यहूद के लिए फरमाया कि इनको जिल्लत और ख्वारी नसीब हुई है पहले अरसे तक गुलाम रहे फिर आजादी वास्ता नबी के मिली फिर भी दलील हरकतों की वजह से इनको हमेशा कारे मदल्लत में रखा इनको जलील रखा और रहेंगे आखिर तक अगरचे बजाहिर दूसरे अंग्रेजी मुल्कों के सहारों से ये अपने आप को बड़ा कर लें लेकिन हकीकत में ये दलील रहेंगे बेइज्जत रहेंगे और उसकी वजह क्या है अल्लाह ने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि बेअन्नहुम यकफुरून बिआयातिल्लाह इन्होंने हमेशा अल्लाह की निशानियों का इनकार किया और ठुकराया छुटलाया अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्जी की इसका खुलासा यह है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी और अल्लाह के अहकाम को ठुकराना और अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्जी इसके नतीजे में जिल्लतें आती है मुकद्दर में इसके नतीजे में मस्कनत आती है मुकद्दर में तो गोया इससे बचना चाहिए कि आदमी अल्लाह के अहकाम को तोड़े आज हम खुद हमारा हाल देख रहे हैं हमारी हैसियत को हम लोग देख रहे हैं वजह यह है कि आज हमारी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम इतने टूट रहे हैं कि उसके नतीजे में जिल्लत और खारी हर दरवाजे पर हमें नसीब हो रही है मिल रही है असली वजह यह है कि जैसे अंबिया और अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वालों का नतीजा जिल्लत और खारी है जो भी कौम रहेगी देखो 24,000 नबियों वाली कौमों का यह आलम रहा है तो फिर हमको एक नबी मिले थे अगर हमने भी अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्दी की है नतीजतन मस्कनत और जिल्लत हमारे हिस्से में आएगी आज जब दफातर में हम जाते हैं
नाम सुनते हैं हमारा तो हमको जिल्लत का सामना उठाना पड़ता है। जब उनको पता चल जाता है कि ये मुसलमान है तो उसका रवैया बदल जाता है, उसके बात करने का अंदाज बदल जाता है, उसके चेहरे पर पुरुष की सख्ती आ जाती है। वजह उसकी यह है कि आज हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का मिजाज भी बनाया है। अगर 100% मिजाज हमारा अल्लाह के अहकाम पर चलने का बन जाए और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने का बन जाएगा तो इसका नतीजा ये होगा कि पारे मदशत से अल्लाह निकाल देंगे और इज्जतों वाली जिंदगियां जो ईमान वालों को देने का अल्लाह ने वादा किया है वो करेंगे। इतना अलबत्ता हम लोगों ने बुरा काम नहीं किया है कि बनी इसराइल ने तो इतनी बदधर्मी की है, इतनी बदधर्मी की है कि अपने अंबिया को शहीद किया है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया है, उन पर इल्जामात लगाए हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे लगाए इल्जाम जिसका कुरान करीम में तज़किरा है, और दूसरे अंबिया किराम के साथ इनका ये सुलूक रहा है। और जाहिरी बात है कि वो अंबिया जो उम्मतों के इंतहाई तौर पर हमदर्द होते हैं, बड़ी खां होते हैं, उनको कत्ल करने तक का काम जो है वो बनी इसराइल ने किया है। तो जो अपने देव लोगों को कत्ल करते हों, जो अपने औलिया के साथ बुरा सलूक करते हों, जो अपने उलमा के साथ बुरा सलूक करते हों, जो अंबिया को कत्ल करने तक जा सकते हों, इस हद तक गिर सकते हों, तो जाहिरी बात है कि उनको कारे मदल्लत में गिरना पड़ेगा, उनको जिल्लत और रुस्वाई से दो चार होना पड़ेगा। फरमाया इसके नतीजे में अल्लाह की निशानियां और अल्लाह के हुक्मों को ठुकराना खतरनाक चीज है, इंसान को जिल्लत के बाग में ले जाकर डाल देता है, मिस्कीन बनाकर रख देता है, जिसके दरवाजे पर अल्लाह का हुक्म मिस्कीन बन जाए और जलील हो तो यह ऐसा इंसान दुनिया में जिस दरवाजे पे जाएगा जलील हो जाएगा। इस बिना पर फरमाते हैं बेअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह वयक्तुलून नबीय्यीन बिगैरिल हक, नबी का कत्ल हक तो हो ही नहीं सकता, फिर भी फरमाते हैं ना हक कत्ल किया, नबी का कसूर क्या था कि उसे कत्ल किया जा सकता था लेकिन फिर कत्ल किया इन्होंने। अल्लाह फरमाते हैं कि इसके नतीजे में इनको जलील होना पड़ा, हमेशा की खाली इनके नसीब में और मुकद्दर में आई, और ये इस वजह से है इनकी जिंदगियों का हाल और कयामत तक और इनके अपना में और इनकी नस्लों के अंदर ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे पता चला कि बड़ों ने अगर कोई चूक की है तो इसका नतीजा छोटों को भी भुगतना पड़ता है, बाद के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। हम लोगों ने सुना कि बाज इलाकों के अंदर उलमा को मारा गया और उनको मस्जिद में जलील किया गया और उनको दाढ़ी पकड़कर मारा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मारने वालों की नस्लों के अंदर लूझे पूझे पैदा हुए, अपाहज लोग पैदा हुए और दीवाने पैदा हुए और पूरे गांव के ऊपर एक वहशत का सिलसिला, और बड़ी बात यह कि वहां कोई आलिम काम भी नहीं कर सका। ये होता है इसकी वजह से, इसलिए अपने यहाँ के अहले इल्म का ख्याल रखना, उनका पासो लिहाज करना, इनसे मोहब्बत करना, इनका अदब करना, इनसे दुआएं लेना, और अगर न कर सके तो कम से कम इनकी बददुआओं से बचना और इनके साथ बुरा सलूक करने से दूर रहना। अगर अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो बुरे सलूक से अपने आप को बचाना ये अलबत्त जरूरी है। ये आज का सबक है। अल्लाह ताला हम तमाम की भी इन शनी अफाल से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन पर दायम और कायम फरमाए।
महीना बड़ा मुबारक चल भी रहा है और उससे ज्यादा मुबारक महीना आ भी रहा है, लिहाजा उस महीने के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सेहत के साथ और आफियत के साथ ये महीना मुकद्दर फरमाए और आफियत के साथ इबादात की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान नसीब फरमाए, फजूल चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए, गीबत से, जबानी जमा खर्च और जबान से होने वाले गुनाहों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बेहतर यह है कि अपना ज्यादातर वक्त जिक्रुल्लाह में गुजारें, अल्लाह की याद में गुजारें, कुरान करीम की तिलावत में गुजारें या फिर घर में रहने आराम करें। हर वक्त जो इबादत करते हैं उसके मुकाबले में रमजान में इबादतों के अंदर इजाफा किया जाए, मामूलात को बढ़ा दिया जाए, नफलें कसरत से पढ़ी जाएं और नमाजों में ज्यादा वक्त लगाया जाए, पहले भी और बाद में भी, नमाजों के हो जाने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के दरबार को दिया जाए, कुरान करीम को दिया जाए, हर वक्त दुआएं की जाए, तौबा दिल्ला में आदमी लगा रहे, जिक्र में इस्तिग़फ़ार में लगा रहे, फजूलियात से अपने आप को बचाए, ग़ीबत से और कीना कपट की बातों से अपने आप को अज़बर दूर रखे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपनी जबान की हिफाजत करे, अपने दिल की हिफाजत करे, रिश्ते हलाल जो है उसी से रोजा रखे, उसी से इफ्तार करे, नमाजों का पाबंद हो जाए, रात के कष्ट और फजूल चीजों से अपने आप को बचाए और तरावीह पाबंदी के साथ जो है बजा लाए, एक एक हर्फ सुनने की कोशिश करे, पहले से लेकर आखिर तक खड़ा रहे और उसके बाद जब नमाज खत्म हो जाए सीधा घर जाए या आराम करे, तहज्जुद के नियत और इंतमाम के साथ उठे और उसमें भी अल्लाह से मांगे और दुआएं करे, औकात को गनीमत समझे। हमारे मशायख 29 तारीख को मुरीदीन से मिल लेते थे, उसके बाद ईद के दिन मुलाकात करते थे, बाकी तमाम जाहिर कामों को बंद कर देते थे, सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते थे और फोकस करते थे इबादतों के ऊपर। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक सही नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد عیاض صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ مریم بہن اقبال پٹیل چیتالی کے لیے مغفرت کے واسطے دعا کی جائے۔ سعید منصوری صاحب بیمار چل رہے ہیں، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اسماعیل ہاشم ناخدا صاحب کے پیر کا کل آپریشن ہے، دعا کی درخواست ہے۔ یوسف سلیمان مچلا صاحب کی طبیعت نادرست ہے، شفا کی درخواست ہے۔ اور ہمارے سید طاہر صاحب، ان کی اہلیہ سیدہ ریحانہ بانو جو ہمارے پرانے مکان مکشی کے محلے میں پڑوسی ہیں ہمارے، وہ اچانک انتقال کر گئی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ مرحومہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے، آنے والے مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ جو وفات قرآن شریف سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملے کو آسان فرمائے، ان کے حافظوں کو قوی فرمائے، ان کے سینوں کو مضبوط فرمائے، ان کو سنانے کی ہمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے اور مصلی پر کھڑے رہنے کے حوصلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور یہ تمام محنتوں کو اپنے فضل سے قبول کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان يا حج يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اشف اعمالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ مبارک آئندہ مہینے میں اللہ ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے اللہ عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، طاقتیں عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی استعداد ہمارے اندر پیدا فرما، ہماری کمزوری کو دور فرما، اے اللہ ہماری غلط جتنی بھی چیزیں ہیں لفظیں ہیں اللہ کو درگزر فرما، اے اللہ رعایتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ روزوں کو آسان فرما، ترابی کو سہل فرما، ہمتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے رہ کر قرآن کریم سننے والا بنا دے، اللہ روزے کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اپنی بارگاہ میں یہ عبادتوں کو قبول فرما لے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ بسلامتی یہ ایمان دنیا سے جانا نصیب فرما، اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما، برحمتی کا یا ارحم الراحمین. جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں
उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। जैसे आदमी सांप से अपने आप को बचाता है, जहरीली जानवरों से बचाता है, आग से बचाता है, इसी तरीके से अपने आप को गुनाहों से बचाना है, उसके लिए ये मेहनत है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि व्यर्थ हुए तो क्या होगा। वैसे तो व्यर्थ का माना बेचने के और खरीदने के। शेर ने व्यर्थ किया या ना शेर ने खरीद किया, मैं व्यर्थ हुआ या ना मैं बिक चुका। तो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तो असल में किसी शेर से जब आदमी वाबस्ता होता है तो फिर इसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको नेमतें अता फरमाते। सिलसिले का जो खैर है वो अल्लाह ताला अता फरमाते। शेर के पास कुछ नहीं होता। शेर तो ऐसा है जैसे नल और टंकी के बीच का पाइप। टंकी ऊपर है, पाइप बीच में है, नल किनारे पर है। नल खोलेंगे तो टंकी से सीधा पानी आएगा, पाइप वास्ता बनेगा। शेर वास्ता होता है। असल में काम करने वाले जो है वो मुरीद है, जिनका सीधा कनेक्शन जोड़ दिया अल्लाह से। वहां आपको कितना आगे बढ़ना है। एक मतलब कनेक्शन आ गया आपके पास तो जीरो का बल्ब भी जला सकते हैं आप, और कनेक्शन आ गया तो 100 का बल्ब भी जला सकते हैं, कनेक्शन आ गया 1000 का बल्ब भी जला सकते हैं। तो ये अपनी ताकत पर है, अपनी हिम्मत पर है कि हमारा हौसला कितना है, हम कितना करना चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है अल्लाह ताला देंगे। अब जिसका जितना जर्फ होगा, जितना बड़ा बर्तन है उसके अंदर उतना सामान आएगा। बर्तन छोटा होगा तो कम आएगा, बड़ा होगा तो बड़ी चीजें आएंगी। इस तरह से जो है शेर से बेहद होने का फायदा क्या है कि हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, यह मकसद होना चाहिए। बाकी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि भाई नामवरी हो जाए कि हम फलाम से बेहद हैं, हम फलाम से बेहद। इसलिए बाल मशायर ने लिखा कि गुमनाम शेर से बेहद हो ताकि पता ही नहीं चले। तो असल मकसद इस्लाह, ये बेहद का मकसद क्या है, इस्लाह है। न शेर जो है बेचारा ऑर्डर चलाता है मौजूदा दौर में तो मुरीद ही ज्यादा ऑर्डर देते हैं, शेख तो बेचारा जो है वो किनारे पर ही रह जाता है। इसलिए वो इस्लाम की नियत से आदमी व्यर्थ हो तो फिर अल्लाह ताला उसको फायदा जो है सिलसिले का पहुंचाते हैं, सिलसिले का फैज मिलता है। फैज तो लोहे महफूज से चलता है, वास्तव से होता वो मुरीद के दिल तक पहुंचता है। तो अब ये अभी बेहद जो होना है, जो हजरात होंगे वो अल्फाज बेहद के कहेंगे एक खुतबे के बाद, और उसके बाद जो है जो वज़ाइफ हैं वो तलकीन किए ही गए हैं पहले से। 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार जो आसान लगे कार्ड हैं हमारे, वो आपको मिल सकते हैं तो वो हासिल कर लें। दुरूद शरीफ कम से कम 200 मरतबा पढ़ना है, और ये 200 मरतबा कम से कम आसान दुरूद अगर कोई पढ़ना, सबसे बेहतरीन दुरूद दुरूद इब्राहिम है। आसान पढ़ना चाहता है दुरूद तो कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबीइल करीम, ये भी दुरूद शरीफ है, सबसे आसान दुरूद शरीफ। और तीसरा है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी जब बैत होंगे वो सिर्फ यही कलमा पढ़ते रहे 200 मरतबा दिन में कम से कम, ये कम मिलता है, ज्यादा कर सकते हैं कम ना करें, जितना करेंगे उतना। लेकिन फिर बाद लोग क्या करते हैं, एक मरतबा 1000 कर दिए आंटी तक बैठ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। ये तो ऐसा हो गया जैसे मेरे वाले साहब फरमाते थे कि अजमेर के अंदर एक पठान तालिबे था, तो वो जुमा के दिन जो है बहुत बड़ा देरचा चढ़ाता था चाय का, और सुबह चाय बनने के बाद से पीता था, शाम तक पीता था, शाम तक पीता था, और यूं कहता था कि अरे नफ्स मैंने तुझे एक हफ्ते का चाय पिलाया है, एक हफ्ते तक खबरदार जो तूने चाय मांगा है, आइंदा जुमा को देगा चाय, उससे पहले चाय नहीं दे, जितना पीना है आज पी ले। तो वो ऐसा करता था। तो एक तो ये भी ऐसा करीमा होता है। हमारे यहाँ ये है कि इसमें थकान हो जाएगी, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा जो बताया है वो करता रहे,
ताल्लुक भी बाकी रहता है, इस्तेमामत भी रहती है और इस्तेमामत की तारीफ भी की गई। थोड़ा करो लेकिन खुदावंद के साथ करो, हमेशगी के साथ करो, और हमेशा आके ये शिकायत मत करो कि हजरत आपने वजीफा दिया था हमसे तो नहीं होता तो कैसे ये लिया था। जब आपको शौक था, आपको तड़प थी कि नहीं मेरे को वजीफा दो दो बोल के वजीफा दिया, तो अब जो है ये शिकायत करता है। बीमार हुआ डॉक्टर के पास गया, दवाई दो दवाई दो, अब शिकायत लेके जाता है कि मैं तो दवाई नहीं पी रहा हूँ। डॉक्टर क्या कर सकता है, तो ये कहेगा कि मैं तू बीमार था, तू आया, मैंने तुझे दवाई दी, इलाज किया, अब आगे दवा पीने का काम तो दे रखा है, मैं तेरे मुंह में ठोसने तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये बजा एक बजा दी और आज बजा दी। अब रोजाना मैं डंडे लेके आपको घर पे आके जबरदस्ती थोड़े ही पढ़वाऊंगा, अपने शौक की बात है, जौक की बात है, अपना जज्बा है, उसके एतबार से काम कीजिए। जितना अल्लाह ताला तौफीक देगा अल्लाह से दुआ करो, फिर अल्लाह ताला जो है उसके मुताबिक अता फरमाते चले जाएंगे। नमाजों की पाबंदी हो, रोजाना अपने गुनाहों पर नजर डालो और तौबा करो, रुजू इल्लाह करो, ये तमाम काम करने के अंदर होते हैं। ये काम वैसे भी करने होते हैं लेकिन अब ऑफिशियल करेंगे आप ये तमाम कामों को, जो करना ही है उसको ऑफिशियल करना है और फिक्रों के साथ जो है लेकर चलना है, ये फायदा इसका जो है वो होता है। तो एक छोटे से खुतबे के बाद जो है वो मैं आपको चंद अल्फाज कह लूँगा, ये अल्फाज भी मेरे अपने तो नहीं है, जो सिखाए हैं बुजुर्गों ने बताया है कि इस तरह से करना होता है वो इस तरह से मैं करूँगा, आप भी साथ साथ उसको दोहरा दें। और दोहराने के बाद जो है एक दर्जे की बयात हो गई, यानी कि आप दो पैमाने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया। अब इसमें आगे चलना और इसको तरक्की देना बढ़ाना वो हमारे अख्तियार में है, हमारा काम है, हम किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना इसको मजबूत करना चाहते हैं, क्या हमारे हाथ में। पौधा लग गया पानी देते जाओ, खाद देते जाओ, रोजाना निगरानी करते जाओ तो तना अवर गड़क बन जाएगा, फल भी देगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो पौधा मर जाएगा। लिहाजा ये बेहद वाले पौधे को सिकुरुल्लाह का पानी देना, तौबतिल्लाह का पानी देना, आमाले सालेहा का पानी देना और इसके पास जो शैतानी हवाएं घूमती है उसको हटाना ताकि पौधा काम करने के लायक बन जाए। दो काम जो है करने होते हैं, गुनाह से बचना भी, नेक काम अंजाम भी देना है, ये तो हर एक को करना चाहिए। लेकिन बेअत के जरिए से एक चौकन्नापन आ जाता है, आदमी जो है बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। एक आदमी डॉक्टर से नहीं ताल्लुक रखता, पेट में दुखा के एक दवाई ले ली, सर में दुखा के एक दवाई ले ली, कान में दुखा के एक दवाई ले ली, तो उसमें क्या गड़बड़ हो जाए। और ऑफिशियली डॉक्टर के पास जाता है, मशवरे लेता है, वो एक तकदीर के साथ दवाई देता है, अल्लाह ताला जो है उसकी बरकत से शिफा अता फरमाते हैं। तो ये भी रूहानी बीमारियों का इलाज है। अब जैसे जैसे बीमारी आएगी वैसे वैसे उसका इलाज पूछा जाएगा। अब इलाज रूहानी तो पूछते नहीं है लोग, महाराज मेरा पैर टूट गया मैं क्या करूँ, मैं इलाज कराना, हार्ट वेद के पास जाओ, ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, वो इलाज करेगा। नहीं कि इसमें अपने के अंदर क्या कहते हैं, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं इसका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं दिल का डॉक्टर हूँ, इसके अंदर मैं खुद नहीं कर सकता। अब मेरी दुकान नहीं चलती, मगर दुकान चलाने का मैं कोई इसका माहिर नहीं हूँ कि तेरी दुकान कैसी चलेगी उसकी आइडिया तेरे को बताऊँ, दुआ कर सकता हूँ जाना ये दुआ करो, ये पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो। तो इस्लाम की कोई बात नहीं करता कि हजरत नमाज नहीं हो रही है, सुन्नत नहीं हो रही है, सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है, सेहत को ये बातें पूछी जाती है, ये सब बातें जो फजूल है ये नहीं पूछी जाती, जो पूछना है वो पूछते नहीं, जो नहीं पूछना है वो सब पूछते हैं और कहते हैं कि इसका ये जवाब नहीं देते, इन्होंने यूँ किया तो ये हुआ नहीं मेरा काम। शेख कोई आलिमुल गैब नहीं होता, वो तो अंदाजा तखमीना इस्तेखारे के बाद कोई चीज़ बताता है, कर लिया अमल तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत से मसाइल में हुजूर ने चीज़ें बताई और काम के अंदर सहाबा को कामयाबी नहीं मिली, तो क्या हुजूर से मोहब्बत कम हो गई, अकीदत कम हो गई? नहीं, हुजूर ने फरमा अंतुम आलम हो, तुम उमूर दुनिया को, तुम्हारे दुनिया की उमूर तुम ज्यादा जानते हो,
मेरा तो काम तीन उम्र बताने का है, मुझसे पूछो तो मैं तुमको बताऊं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے سے سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں بیعت होता हूँ और अब पैमान करता हूँ हर किस्म के गुनाहों से बचता रहूंगा, आमाल सालेहा अंजाम देता रहूंगा, सुन्नतों की पैरवी करूंगा, इत्तेबा करूंगा, कोई गुनाह हो जाए फौरी तौर पर तेरे दरबार में माफी मांगूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस बेअत को कबूल फरमा और सिलसिले के वो बुजुर्ग जो जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा और जो दुनिया से जा चुके हैं درجات عالیہ اور جنت میں اونچے مقامات عطا فرما۔ اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ औरत बता दिए 24 घंटे में कम से कम 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रमजान में ये सिलसिला और बढ़ाएं तो अच्छा है, इसका महीना है इबादतों का। नंबर दो इस्तिग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु इलैह, 200 मरतबा कम से कम।
तीसरा दुरूद पाक अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लम कम से कम 200 मरतबा 24 घंटे के अंदर, ज्यादा कर सकते हैं कम नहीं। अगर नागा हो जाए तो दूसरे दिन डबल कर लें। कोई आदमी एक साथ ये सब औरात नहीं कर सकता तो वक्फे वक्फे से कर सकता है। सुबह में दुरूद पढ़ लिया, दोपहर को इस्तिग़फ़ार कर लिया, शाम को कलमाए तैयबा का विर्द कर लिया। जिन लोगों को जहरी जिक्र बताया वो अपना सिलसिला जारी रखेंगे, जिनको अभी नहीं बताया वो सादगी के साथ ये जिक्र जो है उसको शुरू करेंगे। कुरान करीम की तिलावत पाव पारा गैर हाफिज करे, रमजान में खूब पढ़ाओ तिलावत जितना ज्यादा हो करो, और गैर रमजान में भी जारी रखो। दुआ करो कि अल्लाह रमजान में तूने करा दी, गैर रमजान में भी अल्लाह ये मुबारक सिलसिले को जारी सारी फरमाए। नंबर दो, जो हाफिज कुरान है उनके लिए कम से कम एक पारा जो है वो तिलावत कुरान रोजाना पाबंदी के साथ करना करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब से थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे, और जिक्र का तरीका मालूम नहीं है आपको, इस तरीके से थोड़ी देर जिक्र करेंगे। जिक्र ये है कि नाक से दिमाग की तरफ सर को ऊपर ले जाना, इलाहा में दाएं कंधे की तरफ ले जाना, इल्लल्लाह में उल्टे हाथ की तरफ सीने से दो कल नीचे दिल है यहाँ जर लगाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से जिक्र किया जाता है। तेरे सिवा माबूदे रफीकी कोई नहीं है कोई नहीं, और तेरे सिवा मसजूदे रफीकी कोई नहीं है कोई नहीं, और तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं। अब तो बस का दमे आखिर विरद ज़ुबा है मेरे Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha
Allah, 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 All
जाएगा
पास जरूर सोचो कि आज कहा गया तो मैंने आंखें बंद कर ली, यकीन हुआएगा जब मेरी आंखों पर खत्म कर देगा इसकी याद खत्म हो जाएगा, पता नहीं कौन मेरी आंख बंद करेगा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين واحفظنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكرها فقولا ذكرها أنت وليها ملاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكرها أنت خير من زكاها أنت وليها ملاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مستقيم القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بدعیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ العالمین اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری معافیت کو درگزر فرما، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اللہ اگر تو نے نہیں کیا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ سب دروازوں کی ٹھوکرے کھا کر تیرے در پر آئیں گے، اپنے دروازے سے محروم نہ کر پائے، کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے پا پائے، اللہ رب تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ اوپر کی بگڑی بنا دے، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ معصیت میں وہ کیا کھاتے تھے، تیرے کرم کے بغیر باہر نہیں آ سکتے، اللہ کرم کی بھیک دے دے، کرم کے فیصلے پر ہمارے گناہوں پر ہم کو درگزر کی کرم چلا دے، اپنی رضا کا فرمانا ہمیں عطا فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، اللہ تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر نازل بنا دے، اے اللہ تیرے احکام کا شہدائی بنا دے، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما، رمضان کے مہینے میں اللہ صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اللہ ہم سب کی بیماریوں کا حفاظت فرما، روزوں کی استعداد و طاقت عطا فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، رات کو تراویح میں کھڑے ہونا آسان فرما، فضولیات سے اللہ ہماری عبادت فرما، ایام کی عبادت فرما، ایک ایک لمحے کی عبادت فرما، تیرے کاروبار سے رونے والا مانگنے والا بنا، کثرت سے دعا کرنے والا بنا، اللہ اپنے اوقات کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما، فضل والی زندگی سے عبادت فرما، جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرما، جو بیعت ہوئے ان کی بیعت کو قبول فرما، اللہ ترقی درجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان کو اللہ ذکر نصیب فرما، اللہ
तकलीफ को जारी सारी फरमा, ताकि राना जिंदगी हम सबको नसीब फरमा। जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे, जो मौत से आखिर हो करने वाली मौत अदा फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अदा फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मकरूज है उनसे कर्जों के पूरा होने की सभी पैदा फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे, जो मौत से आखिर हो करने वाली मौत अदा फरमा। दुआएं अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मंजूर फरमा। फिर हम सभी के यार फरमा।